खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हसदिया थाना क्षेत्र के दुमका टू भागलपुर मुख्य मार्ग में खसिया गांव के पास हुई रिफाइंड तेल के भरा टैंकर का एक्सीडेंट, जिसमें बाल बाल बचे ड्राइवर तथा खलासी। ग्रामीणों के सूचना पर हसदिया थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एक्सीडेंटल गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। वहीं ग्रामीणों की भीड़ ने टैंकर से गिर रहे कच्चे रिफाइंड तेल को बाल्टी में छान कर अपने घर ले गए। दुमका ब्यूरो सुरेश प्रसाद की देखे खास रिपोर्ट। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। नेपाल जा रहा, कस्टम का माल है, गवर्नमेंट का माल है, नेपाल जा रहा। हल्दिया जो रिफाइनिंग है ना, वहाँ से गाड़ी लोड हुआ है। ये आपको हल्दिया वर्तमान होते हुए आपको जुगली पाम नाला होते हुए दुमका होते हुए भागलपुर होते हुए फारबीसगंज होते हुए विराटनगर जाएगी। विराटनगर नेपाल, नेपाल वहाँ जाएगी। ये कोई मतलब पब्लिक के लिए कोई काम में यूज नहीं है। ये तेल क्या चीज काम में आता है? ये काम मुर्गी दाना में बनेगा, समझिए। साबुन जो बाटी साबुन बनता है ना, उसमें जाएगा। ये लोड कहाँ हुआ था तेल? हल्दिया, हल्दिया में जी। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसका क्या कारण है? एक्सीडेंट का महात्मा तो क्या, हम लोग गाड़ी साथ में, हम लोग नहीं बता सकते। एक ही कंपनी गाड़ी चला रहे हैं, इससे 70 किलोमीटर गाड़ी हमारे यहाँ से जगदीशपुर, वहाँ से हम खड़ा करके हम बोलेरो से आ रहे हैं। हमारे कंपनी गाड़ी है, इस गाड़ी में जी लेके जा रहे हैं। हम इधर से सुबह में निकलेंगे 4 बजे भोर में। आपका गाड़ी में लोड है ये? हाँ, यही तेल हम लोग। इस गाड़ी में जो चालक था उसका क्या स्थिति है? उसका स्थिति अभी दुमका गया है हॉस्पिटल, और क्या होगा तो बात करके बताएंगे। पहले अभी हम थाना से प्रभारी से गाड़ी किराना उठाने के, इसको गाड़ी उठाने के लिए मांगते हैं गाड़ी। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।